हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं वो भी जुलाई के महीने में, तो आई वुड सजेस्ट अभी आपको रुक जाना चाहिए। रीजन बिकॉज इस महीने में बहुत सारे एक्साइटिंग फोन लॉन्च हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी ही कैटेगरी के, चाहे वो बजट फोन हो, चाहे वो मिड रेंज फोन हो, चाहे वो फ्लैगशिप फोन्स हो, सभी कैटेगरी के फोन्स इस महीने में लॉन्च हो रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे फोन्स की बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से फोन लॉन्च हो रहे हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो स्टे ट्यून। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटोरोला की। तो मोटोरोला इस महीने में दो फोन लॉन्च करने जा रहा है, मोटो रेजर 40 और मोटो रेजर अल्ट्रा। मोटो रेजर 40 स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 के साथ आएगा और मोटो रेजर 40 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के साथ आएगा। इंटरनल डिस्प्ले 6.9 इंच की रहेगी। एक्सटर्नल डिस्प्ले जो मोटो रेजर 40 है उसमें थोड़ी छोटी रहेगी, बट जो अल्ट्रा फोन है उसकी जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है वो काफी बड़ी होगी। सिर्फ ये जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है यही दोनों को डिफरेंशिएट करता है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो मोटो रेजर 40 की जो प्राइस है वो अराउंड 65,000 के आसपास हो सकती है, और जो अल्ट्रा फोन है उसकी प्राइसिंग अराउंड 80-85,000 के आसपास हो सकती है। दोस्तों ये जो फोल्डेबल फोन्स की जो कैटेगरी है इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और सैमसंग भी इसी महीने अपने दो फोल्डेबल फोन्स लॉन्च करने जा रहा है। इस महीने के एंड में लॉन्च होंगे। इस बार जो सैमसंग का फोल्ड 5 और फ्लिप 5 फोन जो रहेगा ये स्नैपड्रैगन जेन 2 के साथ आएगा। डिजाइन की अगर हम बात करें तो फोल्ड 5 का जो डिजाइन रहेगा वो ऑलमोस्ट फोल्ड 4 की तरह ही रहेगा, ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट वहीं अगर हम फ्लिप 5 की बात करें तो इसमें काफी मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। डिस्प्ले इंटरनल जो है वो ऑलमोस्ट वही रहेगी, बट एक्सटर्नली बाकी ब्रांड्स की तरह ये भी अपना जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है वो काफी बड़ा कर रहे हैं इस बार। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो फ्लिप 5 की जो प्राइसिंग है वो अराउंड 95,000 के आसपास हो सकती है, और जो फोल्ड 5 जो रहेगा उसकी प्राइसिंग 1.5 लाख से ऊपर हो सकती है। और दोस्तों फोन लॉन्चेस में ओप्पो भी पीछे नहीं है। ओप्पो भी अपनी रेनो सीरीज लॉन्च कर रहा है। ओप्पो रेनो 10 और ओप्पो रेनो 10 प्रो लॉन्च होने वाला है। कर्व डिस्प्ले के साथ आ सकते हैं और स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के साथ आ सकते हैं। रेस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन इतनी अभी कंफर्म नहीं है, बट इनकी जो प्राइसिंग रहेगी वो अराउंड 40-45,000 के आसपास हो सकती है। वीवो भी पीछे नहीं है। वीवो का V29 इस महीने लॉन्च होने जा रहा है, स्नैपड्रैगन जेन 1 के साथ आएगा ये फोन। इसकी भी प्राइसिंग अराउंड 45,000 के आसपास हो सकती है। और दोस्तों एक फोन जिसके लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो पिछले साल लॉन्च हुआ था और बहुत ज्यादा मीडिया में हाइप बनी थी, मैं बात कर रहा हूँ नथिंग फोन की। डिजाइन वाइज ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट जो इनके इंटरनल्स हैं उनमें काफी मेजर जंप देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर ये मिड रेंज प्रोसेसर के साथ आया था, बट इस बार स्नैपड्रैगन जेन 1 के साथ ये आएगा। प्राइसिंग इसकी भी 40-45 के आसपास हो सकती है। और दोस्तों अगले फोन की बात कर लेते हैं, आईक्यू नियो 7 प्रो की। दोस्तों ये जो फोन है मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज ये कम पैसों में आपको फ्लैगशिप जैसे फीचर्स दे देता है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस रहेंगी वो काफी इंटरेस्टिंग है। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के साथ आएगा, 120 हर्ट्ज की इसकी डिस्प्ले रहेगी, कमाल की इसकी बैटरी और चार्जिंग सिस्टम रहेगा। ये फोन आपको 35,000 के अंदर में देखने को मिल सकता है। वन प्लस की बात कर लेते हैं दोस्तों, वन प्लस भी इस महीने दो फोन लॉन्च करने जा रहा है, वन प्लस नॉर्ड 3 एंड वन प्लस नॉर्ड CE। वन प्लस नॉर्ड 3 एक मिड रेंज फोन रहेगा, इसमें आपको डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिलेगा आपको, 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, और मिड रेंज फोन में ये काफी डिसेंट स्मार्टफोन काउंट किया जा सकता है। प्राइसिंग इसकी अराउंड 30,000 के आसपास हो सकती है। और इसी के साथ OnePlus Nord CE भी लॉन्च होगा, जो कि Snapdragon 782 प्रोसेसर के साथ आएगा, और जिनको बजट में OnePlus फोन चाहिए उनके लिए काफी अच्छा फोन हो सकता है। ये अराउंड 25,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है। दोस्तों Samsung जो है अपने फ्लैगशिप फोन तो लॉन्च कर ही रहा है इस महीने के एंड में, बट इस महीने वो अपना एक बजट फोन भी लॉन्च करने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के M34 फोन के बारे में। ये जो M सीरीज रहती है सैमसंग की, ये मोस्टली फोकस रहती है इसकी डिस्प्ले और इसकी बैटरी को लेकर के। प्रोसेसर इसका कुछ खास नहीं होता है। लीक्स की अगर हम माने तो ये सैमसंग के खुद के प्रोसेसर 1280 एक्साइनोस प्रोसेसर के साथ आएगा, जो कि इतना खास प्रोसेसर नहीं है, बट जिनको सिर्फ सैमसंग फोन ही चाहिए, जिनको बजट कैटेगरी में सैमसंग फोन चाहिए जो कि उनका फुल डे निकाल सके विद गुड बैटरी लाइफ, तो उनके लिए अच्छा फोन हो सकता है। और दोस्तों Realme भी अपना Narzo सीरीज लॉन्च करने जा रही है, Narzo 60 और Narzo 60 Pro इस महीने लॉन्च होगा। इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है वो काफी हद तक Realme 11 सीरीज से इंस्पायर्ड है। ये फोन Dimensity 6020 के साथ आने वाला है। ओवरऑल ये डिसेंट फोन साबित हो सकता है अगर ये 16-17 हजार के बीच में लॉन्च होता है तो। दोस्तों यही थी उन स्मार्टफोन्स की लिस्ट जो इस महीने लॉन्च होने जा रहे हैं।
आपको कौन सा फोन इंटरेस्टिंग लगा या आप कौन से फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दैट्स इट दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।